बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनो हजरात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। वीडियो के आखिर में दुआ होगी, इसमें ज़रूर शामिल हो जाइएगा। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि कम से कम 40 लोग दुआ में ज़रूर शरीक हों और कमेंट्स में मुझे आमीन लिखें। हो सकता है कि आप में से कोई अल्लाह का वली और वलिया हो और आपके आमीन कहने पर सबके मसाइल अल्लाह पाक हल फरमा दें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आज मैं आपके साथ या कहारू के कुछ मुशाहदात शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत ही काम के मुशाहदात हैं जिनसे बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं, और ये मुशाहदात जिन लोगों ने लिखे हैं उन्होंने बताया है कि ये करने से उनके 100% मसाइल हल हुए हैं। जैसे एक मुख्तरमा लिखती हैं कि मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामुअलैकुम, जिस तरह आप और अल्लामा लाहौती पुर इसरारी साहब दुखी इंसानियत की हिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप दोनों को अपनी शान के मुताबिक दीन और दुनिया की बेहतरीन नेमतों से नवाजे, आमीन। या कहारू का अमल हम दोनों बहनें कर रही हैं और मिलने वालों को भी बता रही हैं। मेरी बहुत ही करीबी मिलने वाली जो तकवा वाली दीनदार खातून है, इनके घर में दीन की तालीम भी होती है। इनकी बेटी पर काफ़ी सालों से एक जिन औरत थी, इसकी उम्र 1000 साल थी। इस जिन औरत ने खुद ये बात बच्ची की माँ को ख्वाब में बताई, बच्ची की माँ को भी या कहारू का अमल बताया। अभी इन्हें शुरू किए दूसरा ही दिन था कि बेटी ने माँ से कहा कि अम्मी आपने कोई अमल शुरू किया है। माँ के बताने पर बेटी बोली कि आप ये अमल छोड़ दें, ये अमल मुझे मार देगा। माँ ने जवाब में कहा कि देखना बेटी, मैं सिर्फ 11 दिन ही ये अमल करूँगी और इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। इसकी माँ ने सिर्फ 3 दिन ही ये अमल किया था कि इस अमल की बरकत से वो 1000 साल की जिन औरत या कहारू का मुकाबला सिर्फ 3 दिन कर सकी और चौथे दिन खलाक हो गई। एक और मुशाहिदा मैं आपको बताती हूँ। लिखते हैं कि मोहतरम हजरत हकीम साहब, अस्सलामुअलैकुम, खुश रहें, लंबी उम्र पाएं, आमीन। अर्ज है कि मैं और मेरे घर वाले अबकरी के कम से कम 7 साल से कारी हैं। हमें आपसे मुलाकात का बहुत शौक था, लेकिन हमारा लाहौर में कोई नहीं रहता था। फिर लाहौर में मेरी छोटी बहन की शादी हुई और हम लोग लाहौर आए। वहाँ मोती मस्जिद गए, नवाफिल अदा किए, बेटी ने भी नवाफिल अदा किए। फिर हम वापस रावलपिंडी आ गए। कुछ दिन बाद मेरी बेटी छत पर थी कि इसकी तबीयत खराब हो गई। इस पर कोई चीज़ आ गई थी जो कहती थी कि ये मुझे पसंद है। इसकी खाला इसको लाहौर ले आई, आपसे मुलाकात करनी चाही, ना हो सकी। आपके असिस्टेंट साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि इस बच्ची पर असर है। उन्होंने हमें दोबारा मोती मस्जिद में जाकर नवाफिल अदा करने का कहा, वो हमने किया और बच्ची को जुमे रात को दर्स में लेकर आए। असिस्टेंट साहब ने बच्ची को या कहारू सुबह शाम 1100 बार यानी 11 तस्बियां 1100 टाइम्स पढ़ने को बताया, और अफहसिबतुम का अमल यानी जिसमें 7 बार सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात और 7 बार ही अजान पढ़नी है, और ये अमल दिन में कई बार करने को कहा। ये अमल आपने इस तरह करना है कि 7 बार सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़ें जो अफहसिबतुम से शुरू होकर अरहमर राहिमीन पे ख़त्म होती हैं, और 7 बार ही अजान पढ़नी है, और पढ़ने ये अजान आपने देनी नहीं है जैसे देते हैं नमाज के वक्त, आपने पढ़नी है अजान, और पहले दाएं कान में मरीज के फूंक मारते हैं और फिर उसके बाएं कान में फूंक मारते हैं। बच्ची कुछ दिन लाहौर में ही अपनी हाला के घर रही और कुछ दिन ही या कहारू और आफा सिप्तुम वाला अमल करने के बाद बिल्कुल ठीक होकर रावलपिंडी वापस आ गए। एक और मुशाहिदा है कि मोहतरम हजरत हकीम साहब, अस्सलामुअलैकुम, आपका रिसाला अबकरी काफ़ी अरसा से पढ़ रहा हूँ। आप दीन की हिदमत और दुखी इंसानियत की फलाह के लिए ग्रां कदर हिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपको और आपकी तहरीक को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन।
या कहारू का वजीफा मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया जिससे मुझे बहुत इफाका हुआ। मेरा एक और दोस्त जिसकी बहन की अजदवाजी जिंदगी में बहुत मसाइल थे, हर वक्त घर में शोहर के साथ लड़ाई झगड़ों ने इसकी जिंदगी अजीरन बना दी थी। मैंने अपने दोस्त को ये वजीफा बताया कि अपनी बहन को कहो कि सारा दिन या कहारू को खुला पढ़े। इसकी बहन ने चंद दिन ही या कहारू सारा दिन खुला पड़ा तो इस विर्द की बरकत से इसके तमाम अजदवाजी मसाइल, उलझने, झगड़े बिल्कुल खत्म हो गए। अब वो अपने घर में शोहर के साथ बहुत खुश है। इसके शोहर अब इसका बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अमल समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें दो तरह से अमल बताया है जो दो मुख्तलिफ लोगों ने बताया है। एक ने तो ये बताया है कि सुबह शाम 11-11 तस्बीहात या कहारू की पढ़नी होती हैं तो इससे आपका मसला हल हो जाएगा। और दूसरा जो है, किसी ने अपने मसले के लिए खुला पढ़ा है तो अगर आप सुबह शाम 11-11 बार नहीं पढ़ सकते, सॉरी 1100 बार नहीं पढ़ सकते, यानी 11 तस्बीहात सुबह शाम नहीं पढ़ सकते तो आप सारा दिन खुला पढ़ लें, आपका भी मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब दुआ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लिला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लिला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लिला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या रहमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अजवदल अजवादीन, या अकरमल अकरमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह पाक, तू मेरे और हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह पाक, हम सब के हाल पे रहम व करम फरमा दे। या अल्लाह पाक, रहम की हवाएं चला दे, रहम व करम की फ़िज़ाएं चला दे। या अल्लाह पाक, हम सब की ज़िंदगियां पुरसकून बना दे। या अल्लाह पाक, तू हमारे गुनाहों को ना देख, तू अपनी रहमत को देख, बेशक तेरी रहमत हमारे गुनाहों से बहुत बड़ी है। या अल्लाह पाक, हमारे पे जो भी आजमाइशें हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, या अल्लाह पाक इन सब को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह पाक, हम सब की परेशानियां ख़त्म फरमा दे, हम सब के मसाइल हल फरमा दे। या अल्लाह पाक, हमारी ज़िंदगियाँ आसान फरमा दे। या अल्लाह पाक, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा दे, जो बेटे चाहते हैं उनको बेटे अता फरमा दे, जो बेटियां चाहते हैं उनको बेटियां अता फरमा दे। या अल्लाह पाक, जो लोग बीमार हैं उनको मुकम्मल तौर पर शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह पाक, ला इलाज बीमारियों का इलाज दे दे। या अल्लाह पाक, जो बीमार हैं उनकी हर तरह की तकलीफ़, माजूरी, परेशानी, जो भी उनको है, या अल्लाह पाक वो ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह पाक, जो माँ बाप अपने बेटों और बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए परेशान हैं उन सबको अच्छे रिश्ते अता फरमा दे, घर बैठे उनके नसीब जगा दे। या अल्लाह पाक, उनके जोड़े आसमानों से उतार दे और शादियों के बाद भी उनको खुशियों भरी पुरसकून ज़िंदगियाँ अता फरमाना। या अल्लाह पाक, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा दे, जो नौकरियाँ चाहते हैं उनको मन चाही तय्यब हलाल रिस्क वाली नौकरियाँ अता फरमा दे। या अल्लाह पाक, हम सब की दिली तमन्नाएं, जायज़ हाजात, जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे। या अल्लाह पाक, जो बे आसरा हैं उनको आसरा अता फरमा दे, जो बे दर हैं उनको दर अता फरमा दे, जो बे घर हैं उनको घर अता फरमा दे। या अल्लाह पाक, जो माँ बाप अपनी बच्चियों के शादियों के अखराजात के लिए परेशान हैं, या अल्लाह पाक, गैब से उनका बंदोबस्त फरमा दे, उनकी माली मदद फरमा दे। या अल्लाह पाक, जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं उनके ऊपर से कर्ज जैसा बोझ उतार दे, तो उनकी गैबी मदद फरमा दे। या अल्लाह पाक, जो लोग जिस भी मसले में पड़े हैं, फंसे हुए हैं, या अल्लाह पाक, जो लोग नजायज़ जेलों में कैद हैं, नजायज़ मुकदमात हैं, या बॉर्डर्स पे फंसे हुए हैं, या अल्लाह पाक, उन सब को बाइज्जत तौर पर बरी फरमा दे, उनको रिहाई दिला दे। या अल्लाह पाक, जिनके शोहर भटक गए हैं, भाई भटक गए हैं,
कोई नशा करता है, कोई बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, या अल्लाह पाक तू उन सब को राह रास्त पे ले आ। तेरे लिए तो या अल्लाह पाक कुछ भी मुश्किल नहीं, तू सब कुछ कर सकता है। या अल्लाह पाक हम सब तेरे दर पे आए हैं, तेरे दर से ही लेकर जाएंगे, तुझी से हमने मांगना है और तुझी से हम सबको मिलना है। या अल्लाह पाक बस तू अपना रहम व करम का मामला हमारे साथ फरमाना, हमारी इस तमाम परेशानियाँ ख़त्म फरमाना। या अल्लाह पाक जो जिनकी औलाद फरमा बरदार नहीं है, उन सब की औलाद को फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह पाक हम सबको भी अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह पाक तू हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। या अल्लाह पाक तू अपना और हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सबको फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह पाक हम सब की तमाम दुआएं कबूल फरमा ले, तमाम जायज़ नेक हाजात हमारी पूरी फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।